हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रो टेक इन इंडिया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तीन ऐसे कमाल के ट्रिक के बारे में जिससे आपकी मोबाइल अगर हैंग होती है तो उससे हैंग होने की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और आपको बताऊंगा कि आपका जो स्टोरेज फुल हो जाता है और आप कुछ एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करने जाते हो प्ले स्टोर पे तो स्टोरेज फुल बताता है, तो उसे आप कैसे ठीक कर सकते हो बिना कुछ डिलीट किए हुए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और एक बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दें जिससे मैं लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तीसरी सेटिंग को देखना बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो चलिए मैं आपको तीनों सेटिंग बता देता हूँ, तो एक एक करके मैं सेटिंग बताऊंगा। तो पहले आपको अपनी सेटिंग ओपन करना है, तो यहाँ पे मैं अपनी सेटिंग ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपनी सेटिंग ओपन कर लिया। तो आपको एकदम बिल्कुल नीचे आना है, अबाउट फोन में जाना होगा। अगर आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन दिख रहा है तो आप इसे क्लिक कर लेना, नहीं तो यहाँ से अबाउट फोन में जाके आपको मैं बता देता हूँ कैसे डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर पे कुछ बार क्लिक करना होगा तो फिर आ जाएगा। यहाँ बता रहा है कि ये पहले से क्लिक हो चुका है, यानी कि आ चुका है, ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ पे मैं डेवलपर ऑप्शन में चला जाता हूँ, ओपन कर लेता हूँ इसे। ओपन करने के बाद फिर आपको एनिमेशन स्केल में जाना होगा जो कि यहाँ पे लास्ट में है। यहाँ पे आप देख सकते हो विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, इस पर आपको क्लिक कर देना है तीनों पे। जैसे कि एक एक करके आप क्लिक करना है, इसको 0.5x पे कर दीजिए या एनिमेशन को ऑफ कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी मोबाइल फास्ट हो जाएगी, बिल्कुल ही तेज़ चलने लगेगा। जैसे कि आप जैसे कुछ भी आप ओपन करोगे कोई भी ऐप तो बहुत ही जल्दी खुलेगा, तो यही इसका फ़ायदा है। और आप इसे ऑफ कर दें और अगर इसको ज़्यादा बढ़ा के रखोगे आप तो ये बहुत ही स्लो काम करेगा। तो इस तरह से आपको इसको एकदम बंद कर देना है, बढ़ाना नहीं, इसको बंद कर देना है। चलिए मैं अब आपको दूसरी सेटिंग बता देता हूँ जो कि वो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, उसको आपको प्ले स्टोर से देखना है। तो आपको पहले अपना प्ले स्टोर ओपन करना होगा। फ्रेंड्स, आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है तो फिर यहाँ पे आपको ऊपर थ्री लाइंस दिख रही है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑटो ऑप्शन मिलेगा, ये ओवर एनी नेटवर्क रहेगा तो आपको इसे डोंट ऑटो अपडेट पे कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन का नया वर्जन आता है प्ले स्टोर पे तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होने लगता है। जैसे कि आपके मोबाइल में कोई भी फालतू एप्लीकेशन रहेगी उसका भी ऑटोमेटिकली नया वर्जन आएगा तो वो भी अपडेट हो जाता है। इससे क्या होता था कि आपका जो रैम रहेगा वो फुल होने लगता है या इंटरनल स्पेस जो होता है वो फुल हो जाता था। तो इसको कर देने से आपका क्या होगा कि जब आप अपने मन से अपडेट करना चाहोगे किसी भी एप्लीकेशन को तब जाके वो एप्लीकेशन अपडेट होगी। तो इसका ये फायदा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी ट्रिक आपको समझ में आई होगी। तो अब मैं आपको तीसरी ट्रिक बता देता हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। तो चलिए मैं आपको वो तीसरी ट्रिक बता देता हूँ। उसके लिए आपको अपनी सेटिंग ओपन करनी है। जैसे आप अपनी सेटिंग ओपन करोगे, यहाँ से मैंने अपनी सेटिंग ओपन कर ली है, पे आपको स्टोरेज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जाना है। स्टोरेज के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको देख रहे हो मेरा इंटरनल शेयर्ड स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा फुल बता रहा है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हो 9.35 GB लिखा है। तो अभी यहाँ पे जो कैचेड डेटा लिखा है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसके डिलीट करने से क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे अभी देखिए कुछ समय बाद ये हट जाएगा। यहाँ पे आप दो तीन बार इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो वो 9.35 GB था, अभी यहाँ पे 9.20 GB हो चुका है जो कि यहाँ पे घट चुका है। इससे क्या होता है, जैसे आप प्ले स्टोर पे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने जा रहे हो तो आपका इंटरनल मेमोरी फुल रहता है, तो यहाँ पे आपको बताने लगता है कि आप कुछ एप्लीकेशन डिलीट करो तो फिर उसके बाद हम दूसरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की परमिशन देंगे। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आके क्लियर कैच के डेटा में से यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे आपको डिलीट कर देना है। ये कोई भी आपकी फाइल डिलीट नहीं होगी, इसमें सिर्फ आपका जो फालतू डेटा होता है, जैसे कि आप नेट वगैरह चलाते रहते हो तो या कोई भी वीडियो देखते हो तो आपकी फाइल में जो इंटरनल मेमोरी होती है उसमें कैचेड डेटा बैठ जाता है, जो कि फालतू वगैरह चीज़ें होती हैं वो आपकी इंटरनल मेमोरी में बैठ जाती है। तो इसको आपको क्लिक करके डिलीट कर देना है। जो वायरस वाली एप्लीकेशन होती है, जो प्ले स्टोर पर वायरस एप्लीकेशन मिलती रहती है, वो भी यही काम करती है। तो आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से इसको क्लिक करके कर देना है। बस आपको कैचे डेटा पे दो तीन बार क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों ट्रिक पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज तक की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।